हेलो एवरीवन, आज मैं ट्राई करने वाली हूँ छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट सब्जी इड़हर, जिसे अरबी के पत्तों से बनाई जाती है। यह सब्जी सामान्यतः तीज पर ही बनाई जाती है। तीज व्रत का जब हम पारण करते हैं दूसरे दिन, उसके बाद ये सब्जी खाई जाती है। मैंने पहले कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है इड़हर की सब्जी। सबसे पहले मैंने ये उड़द की दाल, ये मैंने मिक्सर में पीस कर रखा हुआ है। अब अरबी के पत्तों में इसे लपेटेंगे। इस उड़द दाल के पेस्ट में मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक और लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। कुछ लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं, पर मैंने सोचा कि फास्ट के बाद इसे खाना है तो जनरली मैं अदरक लहसुन प्याज ये सब यूज नहीं करती हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये पेस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसे अरबी के पत्तों में लगाएंगे। ये अरबी के पत्ते हैं जिन्हें हमने धोकर रख लिया है, और इसकी जो डंठल होती है उसको काट लेना है, और बीच में से इसे इस तरह से काटेंगे। बीच में से इस तरह से कट करना है हमें, जिससे पेस्ट लगाने में आसानी होगी। ये इस तरह, हाँ ये आराम से बन जाएगा, लगाते हैं ना। ये इस तरह से पेस्ट हमें लगाना है पत्तों पे। ऐसे दो लेयर आप इसकी लगा सकते हैं, ऐसे पत्ते रख रख के। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ऐसे बना बना के रोलअप तैयार कर लेते हैं। अब इन अरबी के रोल्स को हमें पानी से भरे किसी बर्तन में या किसी कढ़ाई में रख के इसे भाप देंगे। इस तरह से भाप में पकाएंगे और ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ढक देंगे 10 से 15 मिनट बाद ये रोल्स ये पक चुके हैं। अब इन्हें हम कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद इन्हें फ्राई करना है। ये अरबी के कटे हुए रोल्स के पीसेस को अब हम फ्राई करेंगे। ये इस तरह डीप फ्राई करेंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम पे। इसे मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। अब मैंने इसके लिए ग्रेवी तैयार कर ली है। इसमें टमाटर फ्राई किया है, कड़ी पत्ता ऐड किया है, और थोड़ा सा दही और पानी मिला के ये रेडी है इसकी ग्रेवी। अब इन पकौड़ों को इस ग्रेवी में डालकर 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद लीजिए, तैयार है ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट इड़हर, जिन्हें आप रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।